फर्रुखाबाद से सुरेश गुप्ता ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भगवान योगेश्वर की स्थापना कर किया जलाभिषेक। जनपद के विकासखंड शमशाबाद स्थित ढाई घाट रामनगरिया में अखिल भारतीय लोधी लोध महासभा फर्रुखाबाद की ओर से प्रस्तावित लोधी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सदर विधायक एटा विपिन वर्मा डेविड के नेतृत्व में प्रदेश महामंत्री परशुराम वर्मा, जिला अध्यक्ष महेश चंद्र राजपूत, महापौर शाहजहांपुर अर्चना वर्मा एवं जलालाबाद विधायक हरिप्रकाश वर्मा, अजय राजपूत, फौजी उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह रानाई, हजारों सजातीय लोगों के साथ भगवान लोधेश्वर की स्थापना कर यजमान के रूम में आचार्य रक्षपाल बावन की धर्मपत्नी तारा देवी ने पूजा अर्चना एवं हवन में आहुतियां देकर एवं लोधेश्वर भगवान का जलाभिषेक करवाया। प्रथम लोधेश्वर गंगा स्नान के अंतर्गत आज अखिल भारतीय लोधी लोध महासभा फर्रुखाबाद की ओर से आयोजित भगवान लोधेश्वर महादेव गंगा स्नान एवं जलाभिषेक में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी। गाजे बाजे के साथ धूमधाम से ट्रैक्टरों में भरकर महिलाएं भक्ति भजन गाते हुए नजर आ रहे थे। सभी लोगों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया जो शाम तक अनवरत चलता रहा। मुख्य यजमान राष्ट्रीय अध्यक्ष सदर एटा विधायक विपिन वर्मा डेविड के हाथों भगवान लोधेश्वर महादेव जी की स्थापना करके जलाभिषेक किया। आचार्य रक्षपाल जी, आचार्य कृष्ण गोपाल जी व गायत्री आर्या, सुमेधा आर्या और रामप्रकाश शास्त्री ने मंत्रोच्चार करते हुए विधि विधान पूर्वक कार्यक्रम संपन्न करवाया। तत्पश्चात सभी लोगों ने हवन यज्ञ में आहुतियां दी। साथ में प्रदेश महामंत्री परशुराम वर्मा, महापौर शाहजहांपुर अर्चना वर्मा, डॉक्टर अरविंद गुप्ता, सह प्रभारी अजय राजपूत, फौजी जिलाध्यक्ष महेश चंद्र राजपूत, भाकियू नेता रामबरन राजपूत, जिला उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह राणा, युवा जिलाध्यक्ष आनंद सिंह राजपूत, संगठन मंत्री मनोज राजपूत, अनिल राजपूत, राम सरकार राजपूत, बेचेलाल वर्मा, महेंद्र सिंह राजपूत, सर्वेश राजपूत, विमलेश राजपूत, ज्ञान सिंह राजपूत, भाकियू नेता हरलाल सिंह राजपूत, सुरजीत सिंह राजपूत, विमलेश राजपूत, शिवदयाल सिंह, ब्रजेंद्र सिंह पाल, रामब्रिज राजपूत, अरविंद राजपूत आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। हमारी आपकी क्रिया हो रही है, जैसे मैं अपनी इच्छा द्वारा बोल रहा हूँ, आपकी इच्छा आप सुन रहे हैं, ये हमारी अच्छी क्रिया चल रही है। कोई जीव दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई सो रहा है, ये विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जितनी हो रही है सब आत्माओं की अपनी क्रियाएं हैं, लेकिन इसमें तीसरी क्रियाएं हो रही है अनैच्छिक क्रिया जो बिना आपकी इच्छा चल रही है, एक जैसी सबके अंदर हो रही है, इससे सिद्ध हो रहा है एक जैसी हो रही है तो सबका एक करने वाला उन क्रियाओं का है। कौन सी? जैसे सांस का आना जाना, सांस आ रही है जा रही है, अप डाउन हो रही है, सभी जीवात्माओं के अंदर ऐसे ही चल रही है, चाहे सोवे, चाहे जगे, चाहे खाए, चाहे पिए, चाहे दौड़े, चाहे भागे, कुछ भी करे, सबके अंदर सांस आ रही है। आप सो रहे, सांस फिर भी चलती है, नहीं चलती? कौन चला रहा है? आप तो सो रहे हो, लेकिन सांस कौन चला रहा है? कोई तो चलाने वाला है, कोई है, इसलिए वही चला रहा है सांस। आपके अंदर बैठा तब चला रहा है, क्योंकि बिना करता कोई क्रिया होती नहीं। आप सो गए, आप तो गाढ़ निद्रा में सो गए, और सोना मृत कहते लोग बराबर का है, फिर भी किसी ने आवाज दी, आपको जगाने का कार्य किसने किया? प्रेरित किसने किया? आत्मा को जाकर किसने प्रेरित किया? उसी परमात्मा ने प्रेरित किया, आपको सोते हुए जगाया, सोते हुए। अरे हमें कोई बोला? किसने बोल कर रहा है? आपने भोजन किया, आपकी इच्छा के ऊपर क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन भोजन पचाने का कार्य कौन कर रहा है? और पचाने के बाद 40 दिन तक भोजन क्रिया में रहता है और 7 तत्वों को बनाता है, उसमें 7 तत्वों को।